लेट्स कंटिन्यू विद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. हमको आज करना था वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वेल एंड स्पीड वाले क्वेश्चन, है ना. तो वेल देखो, आपने देखा होगा कुआं, तो वेल जो होता है दैट इज सिलेंड्रिकल इन शेप. हम इसके यदि अंदर झांकेंगे तो हमें एक सिलेंडर नज़र आएगा. हाँ, तो सिलेंडर का वॉल्यूम, जब भी हम एक वेल डिग कर रहे हैं, जब भी आप एक कुआं की खुदाई कर रहे हैं, तो आपको जो शेप मिलेगा जिसमें से आप मिट्टी निकालेंगे, द अर्थ डग आउट, मतलब मिट्टी, कितनी मिट्टी बाहर निकली, वो मिट्टी किसके वॉल्यूम के इक्वल होगी, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. क्योंकि वेल का डिज़ाइन सिलेंडर ही होता है. आप किसी भी कुएं को देखें, बाहर से अंदर से, इट विल बी ऑलवेज सिलेंड्रिकल इन शेप. ठीक है, तो एक बात आपको क्या याद हो गई कि जो मिट्टी निकलेगी वो तो सिलेंडर में से ही निकलेगी. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी ऑलवेज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब राइट हैंड साइड में आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं. पहला केस क्या है कि आपने एम्बैंकमेंट में मिट्टी, ये जो कुआं खोदा है, ये हमने कहाँ पर डिग किया, अपने खुद के खेत में. हाँ, हमने अपने खेत में कुआं खोदा और हमने, तो हमने यहाँ पर यदि वेल डिग किया और मिट्टी ले जा कर के हमने पड़ोसी के खेत में डाल दी. हाँ, पड़ोसी के प्लेटफॉर्म पे कहीं पर डाल दी, तो उसका यदि शेप रेक्टेंगल दिया होता है आपको, रेक्टेंगल मतलब एक्चुअली क्यूबॉइड बनेगा, उसकी हाइट भी कुछ होगी, पर आपने क्या किया, यहाँ से जो भी मिट्टी निकली वो ले जाकर यहाँ इसके ऊपर डाल दी और उसको फिर लेवल कर दिया, तो क्या बढ़ेगी, हाइट. लेंथ ब्रेथ प्लॉट की सेम रहेगी, उसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी. हाँ, जितनी भी आपने मिट्टी डाली है वो वॉल्यूम कहाँ पे यूज़ होगा, इसकी हाइट इंक्रीज करने में, मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस अर्थ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पर बेटा L और B आपको गिवन होते हैं, आपको हाइट निकालनी होगी कि कितनी हाइट बढ़ गई. तो पहली बात क्या हुई कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के. हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका हमेशा क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. इस फर्स्ट केस में आप इसको किससे इक्वेट करोगे, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म इज शेप ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो गया, एल बी एच. अब आपको ये हाइट निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वायर एच को इस एल बी से डिवाइड कर दो, तो आपकी हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म आ जाएगी कि कितना राइज इन लेवल ऑफ प्लेटफॉर्म हुआ है. केस वन. ठीक, केस टू में हम क्या करते हैं कि हमने कुआं तो खोदा, पर हमने कुआं कहाँ खोद लिया, अपने खुद के खेत पर. हाँ, ये हमारा खेत है और हमने यहीं पर ये वेल डिग कर दिया. अब जब हमने यहीं पर कुआं खोद लिया, तो अब आपको पता है कि अभी जो मिट्टी निकली है आप ये बाकी की जगह पर डालोगे, वापस से इस सर्कुलर पोर्शन में जहाँ से आपने वेल डिग किया है, यदि आप इसमें वापस मिट्टी डाल दोगे तो कुआं वापस भर जाएगा, जो आपको चाहिए नहीं. तो आप क्या करोगे, आप उसके अलावा बचे हुए एरिया में मिट्टी डालेंगे और फिर से उसको लेवल कर देंगे. तो अब की बार जो ये हाइट राइज हुई है वो किस एरिया की हुई है, इस रेक्टेंगल में से इस सर्कल को माइनस कर दे, उतना एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, जितनी हाइट बढ़ गई. हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका अभी भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब ये जो वॉल्यूम ऑफ इस वेल का है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच, और इक्वल टू में अब आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ द प्लॉट दैट इज एल बी, और उसमें से क्या माइनस होगा, उस वेल का सर्कुलर एरिया, ये मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट एच. तो अब हमको यदि ये एच की वैल्यू निकालनी है, तो इस पाई आर स्क्वायर एच को हम एल बी माइनस पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो हमारी हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट आएगी. ये आपके दो केस क्लियर. अब थर्ड, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू हाइट इज वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड ऑन द प्लेटफॉर्म एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, जहाँ पे हमने कुआं खोदा उसको छोड़ के बाकी जगह पे डालेंगे, है ना. सिंपल सी बातें समझ में आ गई होगी आपको. एंड थर्ड केस, जो हमको नॉर्मली, हमको जब कुआं दिखता है तो हमें ऐसा नहीं दिखता है ना, ये तो इसमें आप चलते जाओगे तो गिर जाओगे, मर जाएंगे. तो यहाँ पर उसके आसपास एक ऐसा सर्कुलर एम्बैंकमेंट होता है, इस तरह से उसके आसपास एक गोल घेरा बना दिया जाता है ताकि कोई चलते चलते उसके अंदर गिर नहीं जाए, देयर शुड बी अ वॉल. हाँ, तो ये वॉल कैसी है, यदि हम ध्यान दें तो दिस इज़ अ कॉन्सेंट्रिक रिंग. ये जो है इसकी डिज़ाइन जो है ये कॉन्सेंट्रिक रिंग है. तो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मतलब आपका एक ये
एक ही है। तो ये जो अंदर वाली रेडियस है ये तो वो है जो आपने कुआं खोदा है, और ये जो बाहर वाली थिकनेस है, ये थिकनेस आपको पता है अपन ने सर्कल्स पढ़ा हुआ, ये कैपिटल आर हो गई। तो आर माइनस आर इज़ द थिकनेस, आर माइनस आर इज थिकनेस ऑफ दिस वॉल, थिकनेस या आपकी रिंग की, दिस इज द रिंग जो आपकी बनी है, ये आउटर रिंग, ये इनर रिंग। कुआं आपका ऐसा बना है और इसके आसपास आपने जो वॉल बनाई है ऑब्वियसली उसकी हाइट कुएं की हाइट से कम होगी, उतनी थोड़ी बनाएंगे, ज़मीन के अंदर जाकर फ़ायदा ही नहीं है, ग्राउंड लेवल के ऊपर बनाएंगे। तो ये आपकी हाइट ऑफ जो आपने बनाया है, ये आपकी वेल की हाइट है, ये वेल की रेडियस है, और ये आउटर डायमेंशन वाली आपकी ये वाली रेडियस है, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस इज़ द थिकनेस। तो अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो आपको पता है वो तो पाए आर स्क्वायर एच, मिट्टी जो निकली है वो तो इस जगह से ही निकली है, हाँ, सिलेंडर के वॉल्यूम में से। अब इस मिट्टी को हम डाल कहाँ रहे हैं, इस मिट्टी को हम इस पोर्शन में डाल रहे हैं, इस मिट्टी को हम इस पोर्शन में डाल रहे हैं। ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो ऐसा सिलेंड्रिकल पोर्शन इसके आसपास बना है, हम उसमें ये मिट्टी को डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है हम इसमें डाल रहे हैं, एक हाइट है एच वहाँ तक, ठीक है। तो हमको उसका वॉल्यूम, तो अब आपको पता है इसका एरिया क्या हुआ, आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया, तो पाए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये एरिया हो गया, मल्टीप्लाइड बाय हाइट विल गिव यू वॉल्यूम, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम आ जाता है। तो पाए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच हो गया, निकालनी आपको 99% क्वेश्चंस में हाइट ही होती है, हाइट ऑफ दिस एम्बैंकमेंट। तो ये पाए डायरेक्टली कैंसिल, ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इसके अपॉन में आ जाएगा, और उसमें हम आइडेंटिटी लगा देंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आर माइनस आर आर प्लस आर, आर माइनस आर इज द थिकनेस, यदि हमको बोला 4 मीटर की रिंग बनाई है तो आर माइनस आर की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। तो चलो अब इस पे बेस्ड हम पहले क्वेश्चंस करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है। तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 था, ये चीज़, यदि अराउंड वेल इन अ कॉन्सेंट्रिक रिंग डाला है तो ये सिलेंडर है और ये आपकी रिंग बन गई, तो इसमें इनर रेडियस 3, आउटर रेडियस आपकी थिकनेस आपको दे रखी है 4, तो इनर रेडियस 3 है तो आउटर थिकनेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थिकनेस तो हमको दे रखी है 4, तो रेडियस क्या हो गई इनर 1.5 और आउटर रेडियस क्या होगी 1.5 प्लस 4 दैट इज 5.5। तो इसका वॉल्यूम, ये जो ब्राउन पोर्शन दिख रहा है इसका वॉल्यूम इस सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, हाँ, ये अपना लास्ट केस। और इसके पहले अपन ने क्या किया था, ये कुआं खोदा और ये मिट्टी ले जाके पड़ोसी के खेत में डाल दी, और ये आपका वाला आपके खुद के खेत में आप डाल रहे हो। तो फॉर्मूले क्या बने थे, पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू एल बी एच, जब पड़ोसी के खेत में डाला, जब खुद के खेत में डाला तो एल बी माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये तीन केस याद रखो। तो अब देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग आउट, डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। अब हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, मतलब ये वाला केस है पड़ोसी वाला, तो आपका क्या होगा, इधर होगा पाई आर स्क्वायर एच और इधर क्या होगा एल बी एच, और ये एच आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, मतलब हमको ये एच कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करें, पाई की वैल्यू 22/7, अच्छा वेल का डायमेंशन क्या दिया है, डायमीटर 7 मीटर, तो रेडियस क्या हो गई 7/2 मीटर एंड 20 मीटर डीप, तो हाइट ऑफ वेल क्या हो गई 20 मीटर, और प्लेटफॉर्म के डायमेंशन क्या दिए 22/14, तो L हो गया 22 मीटर और ब्रेथ हो गई 14 मीटर, और इसकी हाइट हमको कैलकुलेट करनी है। तो 22/7 इंटू रेडियस इज 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट ऑफ द वेल विच इज 20 इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू कैपिटल एच, ये होगा सब्सटीट्यूट, 7 से 7 कैंसल, 22 से 2 कैंसल, 11 इस 2 से ये कैंसल, 10 क्या बचा 11 इंटू 7 इंटू 10, और वो 22 और 14 इधर आ गए डिनोमिनेटर में इक्वल टू एच, 7 1 7 7 2 14, 11 1 11 11 2 22, वैल्यू क्या आ गई 10/4 मतलब 5/2 मतलब 2.5 मीटर, सारे के सारे डायमेंशन मीटर में है,
तो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म क्या आ गई, 2.5 मीटर। हो गई कैलकुलेशन, एकदम इजी कंसेप्ट है ना, ये बिल्कुल टफ नहीं है बेटा, एकदम आसान था, सारे इजी हैं, बस आप कंसेप्ट एक बार समझ जाएं तो आपको कंसेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला है, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, ये वाला। हाँ, हमने वेल लिया जिसका डायमीटर 3 मीटर है, उसको डिग किया 14 मीटर डीप, तो ये डायमीटर उसका 3 मीटर है और हाइट हो गई 14 मीटर, और उससे हमने क्या किया, द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम इट इज स्प्रेड ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ये आपका डायग्राम जो बना है ये इसी केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें आप देखें आपकी वेल का डायमीटर 3 मीटर है, तो रेडियस क्या हो गई 3/2, और यू कैन राइट इट एज 1.5 मीटर। हाइट ऑफ वेल इज 14 मीटर। अब इसके आसपास आपने एक सर्कुलर एम्बैंकमेंट बनाया है विथ 4 मीटर, तो आउटर रेडियस, ये वाली रेडियस क्या होगी 3, इसकी रेडियस स्मॉल रेडियस मतलब 1.5, और उसमें ये 4 ऐड कर दें, यहाँ तक 1.5 है, फिर ये 4 मीटर की थिकनेस है, तो 1.5 + 4 आउटर रेडियस आपकी क्या हो गई 5.5 मीटर। और ये हाइट हमको कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए सिंबल कुछ अलग यूज़ होना चाहिए। इस केस में आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई टाइम्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारी वैल्यूज क्या आ रही है, इसको ऐसे ही रखते हैं और इसको ऐसे मूव करते हैं अब, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, तो पाई पाई तो डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, स्मॉल आर, स्मॉल आर इज 1.5 × हाइट क्या थी 14 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को बेटा आप क्या लिख लोगे, आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर इंटू कैपिटल एच। आर माइनस आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी 4 मीटर, तो यहाँ पर आ गया 4 × r + r मतलब 5.5 + 1.5 × h, तो ये 1.5 × 1.5 × 14 / 4 × 5.5 + 1.5 इज एक्चुअली 7 इक्वल टू क्या बचेगा h। 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 1.5, 1.5, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, डेसिमल दो प्लेस छोड़ के एंड डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.125 मीटर। दिस विल बी द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, इस एम्बैंकमेंट की हाइट क्या आ गई 1.125 मीटर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी बुक में इस कंसेप्ट पे 2 ही क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो बचा है हमारा है वो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। हाँ, यदि हमको सिलेंडर के केस में हमको बोला एक पाइप है, पाइप में से पानी बह रहा है, हाँ ये पाइप है, पाइप में से वाटर फ्लो हो रहा है एट द स्पीड ऑफ दिस, और इतनी देर तक पानी बहा, मान लो 2 किलोमीटर/आवर की स्पीड से 2 घंटे पानी बहा, तो वो हाइट ऑफ द वाटर कॉलम पाइप की रेडियस दी होगी, या डायमीटर आपको गिवन होगा, स्पीड दे रखी है पाइप में से पानी आने की, नल में से पानी आने की, तो उसकी हाइट निकालने के लिए सिलेंड्रिकल पाइप की, या लेंथ ऑफ वाटर कॉलम जो उतने टाइम में फ्लो हो गया, हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा, और यदि वो पाइप आपका सिलेंड्रिकल था तो वो क्या मिलेगी, सिलेंडर की हाइट, हाँ देट विल गिव यू हाइट ऑफ द सिलेंडर। पर उसी केस में यदि वो पाइप की बजाय आपको दिया होता है केनाल में से पानी बह रहा है इस स्पीड से, तो केनाल का शेप क्या होता है, केनाल इज क्यूबॉइडल इन शेप, उसका लेंथ ब्रेथ होता है, या रिवर है तो क्यूबॉइडल है शेप में, हाँ सिलेंड्रिकल नहीं है, तो रिवर या आपका केनाल है तो उसका शेप क्या हो गया, क्यूबिकल, क्यूबॉइडल, तो क्यूबॉइडल में आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है,
लेंथ नहीं दिए, सॉरी ब्रेथ और हाइट दी होगी कि इसकी विड्थ इतनी है, इसका डेप्थ इतनी है, ये दिया होगा. और लेंथ ऑफ वाटर कॉलम जो फ्लो हुई वो भी हमें किससे मिलेगी, स्पीड इनटू टाइम से. अब स्पीड इनटू टाइम में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, स्पीड हो सकता है आपको किलोमीटर पर आवर में ही देते हैं अधिकतर, और हाइट जो है वो निकालना है तो यूनिट सेम करनी पड़ेगी. टाइम कई बार आपको आवर्स में देंगे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, टाइम यदि मिनट्स में दिया है तो 60 मिनट का 1 आवर होता है, अकॉर्डिंगली आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो बाकी जो डायमेंशंस हैं सब सेम यूनिट्स में होना चाहिए. तो किलोमीटर को मीटर में करना है तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. दूसरा लीटर्स में यदि आ गया कि वॉल्यूम लीटर्स में निकालना है या लीटर का कन्वर्शन करना हो, तो हमने 9th में पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर. 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, और सेंटीमीटर क्यूब में करोगे तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर. तो स्पीड इनटू टाइम इज हाइट ऑफ सिलेंडर, स्पीड इनटू टाइम इज लेंथ ऑफ क्यूबॉइड. ये दो बातें आप याद रखें तो आपका अब हमारा जो क्वेश्चन बचा था, एक तो क्वेश्चन नंबर 7th भी बचा है, पहले हम 7th कंप्लीट कर लें फिर हम 8th और 9th करेंगे. सेवन्थ में हमें बोला है अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई. एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 18 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विथ सेंड. इसको हमने सेंड से भरा और इसको ग्राउंड पे एम्प्टी कर दिया. इसको ग्राउंड पे एम्प्टी करेंगे तो ये शेप क्या बनेगा, इट विल फॉर्म अ कोनिकल हीप. हाँ, हमेशा जब भी ग्राउंड पे जमीन पे कोई सॉलिड चीज़ डालोगे तो जनरली वो कोनिकल शेप फॉर्म करती है. इतना अच्छा परफेक्ट कोन नहीं बनता है, बट इट विल बी अ कोनिकल शेप. अब हमें क्या बोला है, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर. इस कोन की हाइट हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है इसकी रेडियस और इसकी स्लांट हाइट. हाँ, मैंने इधर R1 L1 लिख दिया, R1 H1 लिख दिया. तो आपको क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. पहली बात तो दोनों का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा. अब वॉल्यूम इक्वल है, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दें. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर का हुआ पाए R²H, और कोन का हुआ 1/3 पाए. रेडियस अलग है, हाइट अलग है, पर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पाए से पाए कैंसल. हमें इसकी रेडियस निकालना है तो ये 3 और h इधर आएंगे, तो 3 times R²H डिवाइडेड बाय H1 इक्वल टू क्या बचेगा, कोन की रेडियस का स्क्वायर. पहले हमने फॉर्मूले को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया. अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 3R है 18 इंटू इसकी हाइट है 32 डिवाइडेड बाय इसकी हाइट विच वॉज 24. तो 24 आ गया. अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 3 8 24, 8 4 32. अब हमें क्या दिख रहा है, इधर R1 स्क्वायर है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मल्टीप्लाइंग ऑल दिस थिंग. 18 का स्क्वायर 324 4 करूंगी तो 96 1296 आए. इसकी बजाय हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 2 18 है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो 18 into 2 36 का स्क्वायर हो गया. तो R1 स्क्वायर क्या है, 36 स्क्वायर है. तो R1 की वैल्यू क्या आ गई, 36 डायमेंशन सेंटीमीटर. तो आपकी रेडियस ऑफ कोन क्या आ गई, 36 सेंटीमीटर. दिस इज़ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू. आप मल्टीप्लाई करोगे 1296 आएगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा स्क्वायर रूट क्या है. हाँ, मुझे तो फिर भी याद हो गया 36 है, आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा. तो इट्स बेटर कि आप पेयरिंग पे काम करो कि 18 दो बार है और 4 कैन बी रिटन एज 18. हम इसको लिख सकते हैं 18 का स्क्वायर इंटू 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, तो हो गया 36 का स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट क्या हो गया, 36. तो R1 आ गई. अब हमें क्या निकालनी है, स्लांट हाइट. तो अब हमारा स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू अंडर रूट R²+H². तो R² मतलब आर हमारी आई है 36 का स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर. अभी पता है इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, हमको दिख रहा है दोनों नंबर 12 के टेबल में आते हैं. हाँ, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 12 3 36 है और ये 12 2 24 है, उसका भी स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर. तो आप चाहें तो दोनों में से 12 स्क्वायर कॉमन ले लें, तो बाहर 12 स्क्वायर का रूट आएगा, तो 12 आएगा. अंडर रूट में क्या बचा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4,
तो आंसर क्या आ गया, 12√13 सेंटीमीटर। जल्दी हो गया। अदरवाइज आप क्या करते हैं, आप सबका स्क्वायर लिखते हैं, आप इनका स्क्वायर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 12 का स्क्वायर क्या होता, सॉरी 36 का स्क्वायर है 1296 और 24 का स्क्वायर है 576। फिर आप दोनों को प्लस करते तो 6 6 12, कैरी 1 17, कैरी 1 12 5 17 और 118, √1872 आता। अब इस √1872 को आपको निकालना पड़ता 12√13। तो हम यहाँ पर फिर क्या कर सकते थे, √1872 को सॉल्व करने के लिए हम इसका वो करते जो हमने अभी नंबर सिस्टम में सीखा था, 1872। मुझे 18 का टेबल आता है तो 18 के टेबल में आते दोनों नंबर, हाँ 18 1 18, फिर डिवाइड नहीं हुआ 70, 18 4 72। अब मुझे ये देख करके याद आ जाता है कि 13 के टेबल में आते हैं कि 13 8 104 होता है ना, 13 8 104, तो 18 1 18 18 4 72 और 0 लगा, करेक्ट है, 13 8 104 होता है ना कि 39 होता है, यस 13 8 तो 13 8 हो गया। अब 8 is 4 2 2 1 2, तो अब हमें क्या पता चल रहा है, 18 is 9 2 18। तो अब हम इसको ब्रेक करें तो हमें किस किस की पेयर मिल रही है, 18 को हम लिख सकते हैं 9 into 2, एक 4 है और एक 2 है। अब ये 2 2 हो गए, 2 2 मिल करके अभी क्या बन गया, 4। तो 9 मतलब 3 का स्क्वायर, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू एक 4 से ये 2 का स्क्वायर और ये 2 2 से ये 2 का स्क्वायर, 3 2 6 6 2 12 12 का स्क्वायर और अंडर रूट में क्या बचा, 13 भी था ना, 13 की पेयर नहीं बनी, तब भी आंसर क्या आएगा, 12√13। और आपको यदि बड़े टेबल्स नहीं आते तो आप वही 2 3 से करते करते जाओ, आंसर तो आएगा ही, √1872 निकालेंगे, 1872 की पेयर्स निकालें, 1872। तो देखो क्या होगा, हम यदि ऐसे करते तो 1872, 2 से किया इवन नंबर, 2 9 18, 2 3 6 बचा 1 2 6 12, फिर 2 से जा रहा है, 2 4 8 बचेगा 1 2 6 12 बचा 1 2 8 16, फिर 2 से जा रहा है 2 23 4, फिर 2 से जा रहा है 1 1 7, अब ये 3 से जा रहा है, 3 3 9 बचेगा 2 27, 3 9 27, 3 1 3 3 3 9, अब आ गया 13 हो गया 1। अब हम पेयरिंग करें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, 1 2 की 1 2 की 1 3 की, 3 2 6 6 2 12 और क्या बच गया, 13, तब भी आंसर क्या आया, 12√13। तो आपको जो इजी लगे, जो कंफर्टेबल लगे, उस हिसाब से आप इसकी कैलकुलेशन करिए। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटर इन अ केनाल, वाटर इन अ केनाल 6 मीटर वाइड, केनाल का चाइल्ड शेप क्या होता है, क्यूबॉइडल। तो इसकी विड्थ हमें दे रखी है 6 मीटर, डेप्थ हमें दे रखी है मतलब हाइट है 1.5 मीटर, इस फ्लोइंग विद अ स्पीड गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स, तो टाइम हमें क्या गिवन है, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा, हाँ हमको पता है 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा, या हम इसको आर में करते हैं तो 30/60, 1 आर में 60 मिनट, तो ये आंसर क्या आ गया, हाफ आर। तो अभी मैंने आपको बताया था क्यूबॉइड के केस में यदि पानी बह रहा है तो स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो हमको क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, क्यूबॉइड से कितनी लेंथ वाटर कॉलम की फ्लो हुई, दैट विल बी टेकन बाय दिस। तो लेंथ इक्वल टू क्या हो गया, 10, यहाँ दोनों मीटर है ये किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में करोगे 10,000 इंटू पर आर, टाइम हमने यहाँ आर में कर लिया, 5 से कैंसिल हुआ, ये क्या आ गया 5,000 मीटर। तो लेंथ ऑफ वाटर कॉलम क्या आ गई, 5,000 मीटर, किलोमीटर में लिखते तो 5 किलोमीटर आ जाता। अब पूछ रहा है हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, मतलब हो क्या रहा है बेटा कि इसमें से पानी आ रहा है, हाँ इस नहर में से पानी आ रहा है और इस पानी को हम कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, एक दूसरे खेत में, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि 8 सेंटीमीटर तक पानी इसमें भर जाए, तो कितना एरिया इरिगेट होगा, तो इसका वॉल्यूम भी क्या हुआ, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट विल गिव यू
वॉल्यूम, जितना पानी यहाँ से आया वही पानी हमने यहाँ पर स्टोर किया है, वही इकट्ठा किया है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू क्यूब कैनाल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन वॉल्यूम ऑफ वाटर इरीगेटेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन कलेक्टेड की बजाय इरीगेटेड, एरिया इरीगेटेड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन फील्ड, ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों का शेप क्या हुआ? क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइड का शेप क्या हुआ? एरिया इंटू एरिया। हाँ, तो हमारा ये इधर भी आपका वॉल्यूम मतलब एल बी एच, और इधर क्या हुआ? इधर भी हुआ एल इंटू बी इंटू, ये हाइट जो हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, बट एल इंटू बी क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया। एरिया, तो एरिया इंटू हाइट हमें क्या दी है? 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 8/100, और इसकी लेंथ क्या आई है आपकी? 5000। ब्रेथ क्या थी? 6 मीटर, और हाइट क्या है? 1.5। ये आपस में इक्वल है, तो ये एरिया निकालना है। तो ये 8/100 इधर आएगा, तो इंटू 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 होगा, ये डेसिमल हटाते अपॉन में एक 10 आता है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 15 6 90 इंटू 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। हाँ, तो अब आप कैलकुलेशन जैसे आपको अच्छी लगे आप कर लो। 4 2 8, 4 से इसको कैंसिल किया 25, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया 45। अब मल्टीप्लाई करना है 125 को मल्टीप्लाई करना है 45 से, तो 125 5 ज़ा 625, और 4 ज़ा करेंगे तो 1000, नहीं 4 ज़ा इस 500, हाँ मैंने सोचा 1000 कैसे आ गया, 5 2 6 5, तो 5 6 2 5, 25 5 ज़ा 125 इंटू 45, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 5 6 2 5, और ये 20 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया ये इरिगेट करेगा। 5 6 2 5 00 मीटर स्क्वायर इतना एरिया इरिगेट करेगा, ठीक है। अब यदि आप इसको हेक्टेयर में कभी पूछ लें तो आपको ये पता होना चाहिए 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर एरिया की यूनिट है, इक्वल टू होता है 1000 मीटर स्क्वायर। ये एक हेक्टेयर का कन्वर्शन है, 100 मीटर का प्लॉट हो 100 बाय 100 मीटर का, तो उसका एरिया होता है 1 हेक्टेयर। तो अब हम इसको यदि डिवाइड कर दें, हाँ हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, मतलब 4 नंबर डेसिमल शिफ्ट होगा, तो आपका आंसर क्या आता? 56.25 हेक्टेयर। कई बार हेक्टेयर्स में भी पूछ लेते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है 56.25 हेक्टेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक फार्मर ने क्या किया? एक 20 सेंटीमीटर डायमीटर का पाइप कनेक्ट कर दिया कैनाल से, और इस पाइप से वो क्या कर रहा है? एक सिलेंड्रिकल टैंक को फिल कर रहा है, तो जितना पानी यहाँ से आया वही यहाँ पर इकट्ठा होगा। अब आपसे पूछ रहा है कितनी देर में ये टैंक कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, तो अभी भी आपको क्या पता है कि जो पानी का वॉल्यूम यहाँ से बहा वही यहाँ पर इकट्ठा हुआ। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द सिलेंडर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू पाइप
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन सिलेंडर। ये दोनों आपस में इक्वल है। अब दोनों का ही शेप क्या है, सिलेंडर, तो दोनों तरफ क्या आएगा, इधर आपका यदि पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच है तो इधर आपका पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच होगा, रेडियस और हाइट अलग है, पाई पाई कैंसल। अभी हमें क्या पता है, हमें बोला है शेप्स डायमेंशंस क्या दिए हैं, हमको बोला है कि पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 20 है तो रेडियस क्या हो गई 10 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो क्या हो गई 0.1 मीटर इंटू सिलेंड्रिकल टैंक विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, इसकी रेडियस क्या हो गई 10 का हाफ 5 मीटर और हाइट इसकी क्या है 2 मीटर। तो ये वैल्यू तो हमें पता है 5 × 5 × 2 मतलब 50, 5 × 5 = 25, 2 = 50। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ, अब इसमें हमको स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, हाँ 3 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितनी देर में टैंक पूरा भरेगा। तो हमें वॉल्यूम ऑफ टैंक के लिए स्पीड में टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हाइट बनेगी, तो हमें वो टाइम पूछा है, पिछले क्वेश्चन में टाइम गिवन था 30 मिनट्स, इसमें हमसे टाइम पूछा है तो हमें टाइम अज्यूम करना पड़ेगा। जब टाइम अज्यूम करना पड़ेगा तो आपके पास दो ऑप्शन है टाइम को, आप आर में भी अज्यूम कर सकते हो और मिनट्स में भी, तो हमने अज्यूम कर लिया लेट इन एक्स आर, एक्स आर में इट विल फिल द टैंक, इट विल फिल द टैंक, मैंने आर में अज्यूम किया है एक्स, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड क्या थी किलोमीटर है, सब मीटर है तो 3000, और टाइम क्या है एक्स आर, तो 3000 × x, 3 किलोमीटर के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, टाइम हमने लिया एक्स आर, स्पीड पर आ रही थे, इस डिस्टेंस की जगह क्या आएगा 3000 x, पर इस केस में ये डिस्टेंस क्या बनेगा, सिलेंडर है तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, यदि इतना लंबा पाइप में से पानी आ रहा होता तो 3000 x के इक्वल आता। तो अब हम यहाँ पर रेडियस की जगह क्या रखेंगे 0.1 × 0.1 × यहाँ पर क्या आ गया 3000 x। अब हमें यदि x निकालना है तो पहली बात देखें ये दोनों डेसिमल हटते तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाते, ये अपॉन में 100 होता तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 30 x किसके इक्वल है 50 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई 50/30 या 0 0 कैंसिल, तो आंसर क्या आया 5/3 आवर, हाँ तो हमारा टाइम 5/3 आवर आ रहा है, तो हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दें तो आपको क्या पता है 1 आवर में 60 मिनट्स, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 × 60, और आंसर किस में हो जाएगा मिनट्स में, 3 से इसको कैंसिल किया 20 25 आंसर क्या आया 100 मिनट्स। हम इसको यदि फ्रैक्शन में लिखते डिवाइड करते तो हम इसको लिखते 1 आवर, फिर हमारा क्या बचता 2/3, 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई करते तो ये 22 = 40 मिनट, तो 1 आवर 40 मिनट भी लिखा जा सकता था आंसर, पर आप एनसीईआरटी से मैच करोगे तो उसमें आंसर उन्होंने 100 मिनट्स दिया है। अच्छा हम यहाँ पर भी तो टाइम अज्यूम कर सकते थे कि मिनट आर की बजाय मिनट्स में अज्यूम कर सकते थे, यदि हम यहाँ पर टाइम ले लेते कि वाई आर मिनट्स में ये काम हो रहा है तो हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 3 किलोमीटर को मीटर में किया 3000, अब टाइम आपका वाई मिनट है तो मिनट को आर में करने के लिए डिवाइड बाय 60, मतलब आर को मिनट में करने के लिए डिवाइड बाय 60, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 × 2 = 6, 2 से ये कैंसिल होता 50, तो आपका डिस्टेंस या हाइट अब क्या आती 50y। अब ये आपकी 50y आ गई, तो अब आप कैलकुलेशन देखो कहाँ पर चेंज होगी, ये जो हमारी कैलकुलेशन थी ये वाली वैल्यू तो यही आएगी 50, इधर हम क्या लिखेंगे 0.1 × 0.1 × 50y और इक्वल टू भी वैल्यू क्या है 50, 50 से 50 कैंसिल, इधर 1 आया, ये दो डेसिमल हटाए थे तो अपॉन में 100 है, ये 100 सीधे उधर चला जाता तो y की वैल्यू क्या आ जाती 100, आंसर किस में आता मिनट्स में, तो y इक्वल टू 100 मिनट। ठीक है, आई होप द कंसेप्ट इज़ क्लियर कि y की वैल्यू 100 मिनट कैसे आई, और इसके साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज ओवर। अब हमारी नेक्स्ट जो है ये नेक्स्ट एक्सरसाइज सिलेबस से हट गई है फ्रस्टम वाली, हमें ऑप्शनल में से 2-3 क्वेश्चन करने हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है,
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कॉपर वायर 3 mm इन डायमीटर इज वुंड अबाउट अ सिलेंडर। हमारे पास एक सिलेंडर है, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एक कॉपर का वायर लपेट रहे हैं। कैसे, कि ये ओवरलैप भी नहीं करे और बीच में गैप भी नहीं रहे। हाँ, हम इस सिलेंडर को पूरा कॉपर वायर से कोट कर दें, पूरा का पूरा। तो हमें कितनी लेंथ उसकी रिक्वायर्ड है, इसका कॉपर वायर का, वायर का डायमेंशन क्या दिया है, डायमीटर है 3 mm, मतलब रेडियस क्या हो गई 3/2, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो डिवाइड बाय 10, तो 3/20 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, रेडियस। हाँ, अब हमें बोला है उस हाई लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेंथ मतलब हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर इसका मतलब 10 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस आपकी क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पोर्शन की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, हाइट 12 सेंटीमीटर है। अब हम इसको एक कॉपर वायर जिसकी थिकनेस, कॉपर वायर की थिकनेस किसके इक्वल होती है, उसके डायमीटर के इक्वल। कॉपर क्या कोई सा भी वायर हो, वायर की थिकनेस उसके डायमीटर के ही इक्वल होगी। वायर की थिकनेस मतलब उसका डायमीटर। जैसे अब यदि मैंने रिंग पहनी है तो मैं कितनी रिंग पहनूं कि मेरी फिंगर आपको नज़र ही ना आए, इस तरह से यदि हम इसको कवर करते जाएं तो ये कितनी वो होंगे कि ये कवर हो जाए, फिर इसको खोलेंगे तो ये लेंथ हो जाएगी। और वायर जिसका शेप क्या है, सिलेंडर है, वायर भी सिलेंड्रिकल है, तो हमको उसका मास भी पूछा है। तो हम यहाँ पर अब क्या करें, हमसे पूछा है कॉपर वायर 3 mm इन डायमीटर इज वुंड अबाउट अ सिलेंडर जिसकी लेंथ है 12 और डायमीटर ये, फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर। तो लेंथ ऑफ वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिलेंडर के CSA को डिवाइड करना पड़ेगा वायर के डायमीटर से। तो लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ वायर। CSA ऑफ सिलेंडर मतलब 2πRh, डायमीटर ऑफ वायर मतलब डायमीटर। वैल्यूज रख दें, तो वैल्यू आपकी क्या हो गई, 2π की जगह 22/7, रेडियस क्या है 5 इंटू हाइट क्या है 12, डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर ऑफ वायर वाज 3 mm, मतलब 3/10, मतलब 0.3, डायमीटर इसे डिवाइड करना है तो 0.3 हो गया। हाँ, आंसर किस में आएगा, लेंथ ऑफ वायर आएगी आपकी सेंटीमीटर में, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। हाँ, 3 से 12 कैंसिल हो रहा है, डेसिमल हटाएंगे तो ये आपका ऊपर एक 10 हो गया, ये हो गया 40। अब मल्टीप्लाई कर दें तो 2 5 10, 2 0 हो गए 22 4 88, 8800/7 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ ऑफ वायर आ गई। आप इसको डेसिमल में चाहें तो डेसिमल में निकाल लें, तो 7 1 7 बचेगा 1 18, 7 2 14 बचेगा 4 40, 7 5 35 बचेगा 5 50, 7 7 49 बचेगा 1 7 1 7, 3 7 4 28.142857 आता जाता है वो, तो ये सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ कॉपर वायर रिक्वायर्ड आ गई। अब हम इस वायर को पूरा खोल दें, तो ये वायर क्या है, सिलेंड्रिकल। तो अब हमको जो नेक्स्ट पार्ट में मास निकालना है, मास ऑफ वायर, तो वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वायर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी जो हमको गिवन है। वॉल्यूम ऑफ वायर मतलब πr²h, पाई इज 22/7, रेडियस हमको क्या दी है 3/20, है ना, 3/20 × 3/20, तो रेडियस की जगह 3/20 × 3/20, और हाइट की जगह हम चाहें तो 8800/7 भी लिख सकते हैं, 8800/7 लिख लें तो शायद कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी पता नहीं होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8, बाकी तो कुछ ईजी नहीं हो रहा। अब आपका 22 का स्क्वायर 484, 22 × 22 इज एक्चुअली 484, 22 का स्क्वायर होता है आपका 484,
3 का स्क्वायर हो गया 9 और अपॉन में 7 इंटू 7 इज 49। ये आपका वॉल्यूम आया। अब हमें उसका मास दे रखा है कि 1 ग्राम का मास कितना है 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास ऑफ वायर के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8.88 से और आंसर किस में आएगा, ग्राम में। अब कैलकुलेशन आपकी मर्जी है, जैसे आपको करनी है आप डिवाइड कर लें। 7 से फिर डिवाइड किया, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7 बचेगा 1, 7 2 ज़ा 14 बचेगा 4, 48 7 9, 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42 तो बचेगा 6, 7 9 7 8 ज़ा 56, 1.268। फिर 7 से इसको डिवाइड कर दें तो 7 6 ज़ा 42 64, 7 9 ज़ा 63 बचेगा 1, 1 बच गया, मतलब वही 142857 आ जाएगा, 1.4 आ गया। सबको मल्टीप्लाई कर लें, मैं कैलकुलेटर से कर लेती हूँ, आप उससे कर लीजिएगा। तो ओह, मैंने कैलकुलेटर के बजाय वो खोल लिया, तो क्या आ गया आपका, मैं पूरा ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 484 इंटू 9 इक्वल टू 4356 इंटू 8.88। तो वैल्यू आ रही है 38681.28 डिवाइडेड बाय 49। तो डिवाइडेड बाय 49 तो 789.41। तो आंसर क्या आ गया, 789.41 ग्राम्स। ये आंसर आ गया आपका। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अच्छा, इस क्वेश्चन में यदि आपको सिर्फ ये पूछा होता कितने रिंग्स लगे, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने होते, तो हम नंबर ऑफ टर्न्स निकालने होते तो हम क्या करते, नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली क्या होता, हाइट ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ वायर, हाइट ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ वायर। हाइट सिलेंडर की थी 12 सेंटीमीटर, डायमीटर वायर का था 3/10, तो 40 टर्न्स। यदि हमसे सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पूछा होता, कई बार ऐसा भी पूछ लेते कितने टर्न्स लगेंगे, मैं कितनी अंगूठियाँ पहन लूँ कि मेरी उंगली ना दिखाई दे, तो उंगली की हाइट डिवाइडेड बाय एक इसकी रिंग की थिकनेस डायमीटर, उससे डिवाइड कर दो, उतनी रिंग्स पहन लो सिंगल सिंगल, तो आपकी उंगली गोल्डन हो जाएगी, है ना। तो वही कंसेप्ट है। तो हाइट ऑफ रिंग निकाल, यदि नंबर ऑफ टर्न्स निकालने तो सिंपली हाइट ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ वायर, और फिर उसके बाद यदि आपको लेंथ ऑफ वायर निकालनी है तो एक लेंथ में, एक राउंड में कितनी रिंग लगी, कितना वायर लगा, 2πr, सर्कमफरेंस के इक्वल उसके 2πr, तो उसको हम मल्टीप्लाई 2πr से कर दे, तो एक्चुअली वही हुआ ना 2πr h अपॉन d, है ना। तो दोनों कंसेप्ट याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है। अब आपका एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल को यदि हम रोटेट करें, उसकी डायमेंशन, उसकी साइड है 3 and 4, ये साइड है 3, ये है 4, तो ये क्या आ जाएगी 5। हमने इसको 9th में भी रोटेट किया था, यदि मैं इसको ए बी सी बोल दूँ तो ये टर्न होके इधर आ जाता था सी, तो हमको ये शेप कैसा दिखता था, ऐसा कोण। फिर हमने 9th क्लास में इसको ऐसे भी रोटेट किया था कि इस साइड के अलॉन्ग रोटेट करें, तो ये इस तरह से आपका फिर कोण बनता था। तो बेसिकली तब ये आपकी स्लांट हाइट बन जाती थी, ये हाइट बन जाती थी, ये रेडियस बन जाती थी। अभी हम क्या कर रहे हैं, 10th में डिफरेंट क्या कर रहे हैं कि हम इसको रोटेट कर रहे हैं अलॉन्ग इट्स हाइपोटेनियस। ये हमारी साइड है 4, ये वाली साइड है 3, ये वाली साइड है 5। अब हम इसको इस साइड के अलॉन्ग रोटेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ इधर आएगी, ये चीज़ हमारी इधर आएगी, और ये जो है बीच में, ये ऐसा हमको लगेगा कि एक कोण ये है, एक कोण ये है, ऐसे दो कोण हमें नज़र आएंगे एक दूसरे पे ओवरलैप। अभी क्या हो गया, अब ये आपकी 3 इस कोण की स्लांट हाइट हो गई, 4 इस कोण की स्लांट हाइट हो गई, और दोनों की हाइट का सम मिला करके 5 हो गया, और दोनों कोण की रेडियस की वैल्यू सेम है, दोनों कोण की रेडियस की वैल्यू सेम है। देखो मैं आपको इसका एक वीडियो, ज़्यादा अच्छा तो है नहीं इंटरनेट पर ये अवेलेबल है, यदि हमने इसको रोटेट किया, यू कैन सी आपको इसमें दो कोण मिल रहे हैं, हाँ आपको इसमें दो कोण मिल रहे हैं, ये
ये जो शेप है ना, इसमें यदि हम इसको इससे जाते हैं, ओके, अब हम इस पे ये यहाँ पर हम ऐसे मार्क कर सकते हैं। ये आपकी हाइपोटेनियस है, ये आपका एक साइड हो गई विच इज़ थ्री, दिस इज़ थ्री, दिस इज़ फोर, एंड ये आपकी फाइव, ये वापस से थ्री, ये वापस से फोर, और ये आपकी टोटल हाइट फाइव। दोनों केस में अब की बार रेडियस इज सेम, ठीक है। तो ये शेप आपका डबल कोन इस तरह से फॉर्म होगा जब भी आप एक ट्राइंगल को, राइट ट्राइंगल को उसकी हाइपोटेनियस के अलॉन्ग रिवॉल्व करोगे, यू विल गेट अ डबल कोन लाइक दिस, ठीक है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। है ना, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ के रखना, ठीक है। तो अब हम वापस आ जाएं इस पे, तो मैं थोड़ा ढंग का डायग्राम बना लेती हूँ। अब हमारे पास क्या है, थोड़ा ज़्यादा ही थिकनेस हो गई, इसको थोड़ा कम कर लिया जाए। ये इस तरह से शेप बनेगा, तो हमारी ये वाली साइड थ्री, ये वाली साइड फोर, एंड दिस ए बी सी, ये सी की न्यू पोजिशन सी डैश, और ये आपकी रेडियस है। इस हाइट को यदि मैंने एच वन बोला, इस पॉइंट को मैं ओ बोल दूं, तो इस हाइट को मैं क्या बोलूंगी, एच टू। दिस इज एच वन एंड द अदर येलो वन, और दिस येलो ब्लू वन इज एच टू। ये दोनों कोन की हाइट का सम। अब हमें बोला है दोनों केस में इसका सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम दोनों हमें कैलकुलेट करना है। दोनों केस में इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करो। चूज़ वैल्यू ऑफ पाई एस फाउंड अप्रोप्रिएट, मतलब एक केस में आप पाई की वैल्यू 22/7 भी ले सकते हो, और एक केस में आप चाहो तो 3.14 भी ले सकते हो। तो इस केस में आपका क्या हो गया, पहली बात तो इस कोन की हाइट, हाँ एक कोन ये वाला है, एक कोन आपका ये वाला है ब्लू वन, और एक कोन है आपका दिस वन ये वाला। तो दोनों केस में रेडियस सेम है, कोन वन में स्लांट आर तो दोनों की सेम है, आर ये स्लांट हाइट एक की हो गई थ्री, कोन टू की स्लांट हाइट क्या हो गई फोर, हाँ कोन टू की स्लांट हाइट आपकी हो गई फोर। इसकी हाइट हमने ले ली एच वन, इसकी हाइट हमने एच टू, और हमें क्या पता है दोनों की हाइट का सम उसकी हाइपोटेनियस के इक्वल होगा, इक्वल टू ए बी, और पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी फाइव। तो एच वन प्लस एच टू फाइव है, आपको पता चल गया। आर अलग है, स्लांट हाइट आपको पता है एक की थ्री है, एक की फोर है, और टोटल हाइट का सम इज फाइव, ठीक है। अब हमें यदि इस कोन का, इस कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया निकालना है, तो इस कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन क्या होगा, ऊपर वाले कोन का भी सी एस है, नीचे वाले कोन का भी सी एस है, दोनों कोन एक के ऊपर एक फिक्स है, तो दोनों का सी एस ए ही ऐड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन आपका किसके इक्वल हो गया, इक्वल टू सी एस ए ऑफ कोन वन प्लस सी एस ए ऑफ कोन टू, ये होगा। कोन वन का सी एस ए मतलब पाए आर एल वन, और इसका क्या हो गया पाए आर एल टू, पाई आर विल बी टेकन कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा एल वन प्लस एल टू। तो हमको क्या पता चल रहा है कि हमको एल वन एल टू तो पता है कि थ्री और फोर, हाँ एल वन और एल टू तो हमें पता है कि थ्री और फोर है, पाई की जगह हमने रख दिया 22/7, रेडियस पता नहीं, थ्री प्लस फोर वैल्यू क्या आ गई सेवन, तो 22/7 इंटू आर इंटू सेवन, सेवन सेवन कैंसल, वैल्यू आ रही है 22 आर के इक्वल। रेडियस निकाले बिना काम नहीं चलेगा। रेडियस निकालने के लिए अब आपके पास सबसे आसान तरीका है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। हम इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल लगा लें, तो देखो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल यदि लगाएंगे तो आप इस ट्राइंगल पे फोकस करो, ट्राइंगल ए सी ओ, एक ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल आप देखें ए सी पी, एक ट्राइंगल ये पिंक वाला, एक ट्राइंगल आपका ये वाला, हाँ दिख रहे हैं आपको अच्छे से। इसमें बस ये एडवांटेज लगता है मुझे इसमें पढ़ाने में कि भाई यहाँ पे ना बहुत कलर्स कॉम्बिनेशन आप चूज़ कर सकते हो। तो आपका क्या हो गया ट्राइंगल ए ओ सी, ये एंगल भी 90 होगा,
ट्राइंगल ए ओ सी एंड दूसरा ट्राइंगल क्या होगा ए सी बी. इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल ए सी बी एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल कॉमन है और इसमें एंगल ओ 90 है और इसमें एंगल सी 90 है. हाँ दोनों एंगल 90 है तो बाय डबल ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए ओ सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए सी बी के. ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो सी पी एस टी की कंडीशन अप्लाई कर दें तो आपका क्या आएगा ए ओ अपॉन ए सी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी बाय सी पी एस टी. ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो गई प्रपोर्शनल. तो अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या क्या पता है ए ओ, ए ओ हमें पता है एच वन है पर उसका हमारे काम नहीं है. ए सी ओ सी, ओ सी इज आर. हाँ ओ सी हमें चाहिए, हम ये वाले पोर्शन में इंटरेस्टेड हैं. ओ सी रेडियस के इक्वल है, सी बी मतलब 4 और ए सी मतलब 3 और ए बी मतलब 5. तो रेडियस की वैल्यू आपकी क्या आ गई तो दिस इम्प्लाइज रेडियस इक्वल टू 4 × 3 = 12 अपॉन 5 सेंटीमीटर. ये आपकी रेडियस देखो बड़े ही आसानी से आ जाती है, आपको बस इसमें सिमिलैरिटी लगानी है. अब आर की वैल्यू 12/5 आ गई, हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते तो हमारा सरफेस एरिया 22 × 12/5 तो 12 × 2 = 24 बचेगा 2, 24 × 2 = 26, 2 × 64 = 5, 5 × 5 = 25 बचेगा 1, 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25 बचा 1, 5 × 14, 5 × 2 = 10 बचा 4, 5 × 8 = 40, 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा क्या आ गया सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन. अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ डबल कोन. तो वॉल्यूम ऑफ डबल कोन क्या होगा दोनों का वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 2. इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1, इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2. और अब हम इन दोनों को कॉमन ले लें तो इन दोनों में क्या कॉमन है 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा एच 1 प्लस एच 2. तो मुझे हाइट अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है एच 1 प्लस एच 2 इज़ 5 तो 1/3. अब यहाँ पाई की वैल्यू हम 3.14 ले लें क्योंकि हमारी रेडियस की वैल्यू आई है 12/5 तो 12/5 का स्क्वायर मतलब 144/25 इंटू एच 1 प्लस एच 2 की वैल्यू है 5. हाँ तो इसीलिए उन्होंने कहा था एज यू विश है ना, जो आपको ज़रूरत लगे उस हिसाब से आप पाई की वैल्यू ले लो. अब ये 5 से कैंसिल हुआ, 5 × 5 = 25 और 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 × 4 = 12 बचेगा 2, 24 × 3 = 24. अब 5 से किसी को भी डिवाइड कर दो तो इसको ही कर दें तो 0.56 = 30 बचेगा 14, 5 × 2 = 10, 5 × 8 = 40, 0.628. तो 48 और 0.628 को मल्टीप्लाई कर ले तो 628 × 48, 8 × 8 = 64, 6 × 8 = 16 और 6 × 22 बचेगा 2 × 50, 5 × 0 = 4, 4 × 4 = 8, 4 × 8 = 32 बचेगा 3, 4 × 2 = 8 और 3 × 11 कैरी 1, 4 × 6 = 24 और 1 = 25. तो वैल्यू आ गई 4410 3 30144 30144 और डेसिमल 3 प्लेसेस शिफ्ट 30.144 सेंटीमीटर क्यूब. दिस विल बी योर वॉल्यूम ऑफ दिस डबल कोन सो फॉर्म. अच्छा इसी में हम ये वॉल्यूम जो हमने इससे निकाला इसकी मतलब रेडियस निकालने के लिए आप एक तरीका और यूज़ कर सकते हो विच इज़ पाइथागोरस थ्योरम. हम इसमें यदि पाइथागोरस लगाते पर वो थोड़ा लंबा है इसलिए मैंने आपको ये बताया. हम इस ट्राइंगल में ए ओ सी में पाइथागोरस लगाते तो ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर आता. ए ओ यदि हमने एच वन लिया है तो एच वन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9. इस वाले ट्राइंगल में लगाते हूँ तो एच टू स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर आता. मतलब एच टू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर मतलब 16. एक कंडीशन ये आई, एक कंडीशन ये आई. दूसरा आपको क्या पता है कि एच वन प्लस एच टू की वैल्यू 5 है.
तो अब हम इसको यूज़ करें, अब हम इन दोनों इक्वेशन को यदि आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते इन दोनों को, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता, इधर बचता एच वन स्क्वायर माइनस एच टू स्क्वायर इक्वल टू नाइन माइनस सिक्सटीन इज माइनस सेवन। अब एच वन स्क्वायर माइनस एच टू स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए एक तरीका है एच वन प्लस एच टू मल्टीप्लाइड बाय एच वन माइनस एच टू इक्वल टू माइनस सेवन, पर एच वन प्लस एच टू की वैल्यू फाइव है, यहाँ पर फाइव सब्सटीट्यूट करोगे उधर जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई कि एच वन आपकी वैल्यू आ जाती एच वन माइनस एच टू की वैल्यू आती माइनस सेवन अपॉन फाइव, और एच वन प्लस एच टू की वैल्यू है प्लस फाइव। हाँ, लीनियर इक्वेशन से बता रही हूँ, एक तरीका ये लंबा है पर करो उसी से, वो ज़्यादा इजी पड़ता है आपका पाइथागोरस की बजाय सिमिलैरिटी से। अब हम पढ़ भी चुके हैं ट्राइंगल्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐड किया ये कैंसल टू एच वन, एल सी एम फाइव माइनस सेवन अपॉन फाइव, ये माइनस है, हाँ ट्वेंटी फाइव माइनस सेवन अपॉन फाइव क्या बचेगा एटीन अपॉन फाइव, ये टू से ये कैंसिल हुआ, वैल्यू क्या आ गई एच वन की वैल्यू आ गई नाइन अपॉन फाइव। अब हमें एच टू निकालने में इंटरेस्ट नहीं, हमें रेडियस निकालने में इंटरेस्ट है, तो एच वन स्क्वायर मतलब नाइन बाय फाइव का स्क्वायर मतलब एट्टी वन अपॉन ट्वेंटी फाइव प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू नाइन। हाँ, ये रिलेशन है आपके पास, आप इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो आर की वैल्यू तो वही आएगी, बस टाइम ज़्यादा लग गया, ये इधर तो एट्टी वन अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन इक्वल टू मतलब माइनस नाइन इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर मैंने इधर भेज दिया है, तो एल सी एम ट्वेंटी फाइव आएगा, एट्टी वन माइनस ट्वेंटी फाइव नाइन ज़ार टू ट्वेंटी फाइव इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर, टू ट्वेंटी फाइव में से एट्टी वन माइनस किया तो क्या बचेगा वन फोर्टी फोर, तो ये आ गया माइनस वन फोर्टी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसल स्क्वायर रूट लोगे रेडियस वही आएगी 12/5, बट यू कैन सी दैट दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, इससे ज़्यादा आसान था हमने सिमिलैरिटी से किया। अच्छा, यहाँ पर आप इसकी बजाय यदि आपको ये नहीं करना तो आप यहाँ पर h1 की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर सकते थे कि h1 प्लस h2 5 है, तो आपने यहाँ पर h2 की जगह यदि रख दिया 5 माइनस h1, तो ये h1 स्क्वायर प्लस ये हो जाता 5 माइनस h1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7। एच टू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ ये जो कंडीशन है इसमें हमने रख दिया। अब इसको आइडेंटिटी से खोलते हैं, तो एच वन स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस एच वन स्क्वायर माइनस टू फाइव ज़ार टेन एच वन इक्वल टू सेवन, एच वन स्क्वायर माइनस एच टू स्क्वायर था तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गए। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही आएगा, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो ज़्यादा प्रेफरेबल मेथड वही है कि आप इसको करो यूजिंग सिमिलैरिटी। अब आपकी इक्वेशन आती 10 एच वन, ये उधर जाके 7 प्लस 25 हो गया 32, तो एच वन की वैल्यू वही आएगी 32 अपॉन 10 मतलब 18 अपॉन 5, फिर वही सब्सटीट्यूट करें, फिर रेडियस निकालें, तो ज़्यादा ईजी वही मेथड है कि आप इसको सिमिलैरिटी से करो। एक ट्राई, एक एंगल कॉमन है, एक एंगल दोनों में 90 है, डबल ए से ट्राइंगल सिमिलर सी पी एस टी से तुरंत आ जाता है। ठीक है, बस एक क्वेश्चन बचा है, दो क्वेश्चन, हम वो कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, फिर आपका सरफेस एंड वॉल्यूम ओवर, एंड वी विल स्टार्ट विद टेंजेंट टू सर्कल्स। थैंक यू।